कि अब की बार अशोक वर्मा को उम्मीदवार बना करके रानिया से चुनाव लड़ा। अंत तो रोकागत क्यों पिछड़ी छाप देगा। तो जहां पार्टी ने तो अपनी जिम्मेवारी आज पूरी कर दी। मैं आप कार्यकर्ताओं से एक बात खुल करके पूछना चाहता हूं, कहीं विचलित तो नहीं हो जाओगे? पूरी मजबूती के साथ जैसे पहले पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट की ताकत देकर के विधानसभा में भेजते थे, चाहे वो अपनी जिम्मेवारी निभाई कि नहीं निभाई, लेकिन आप लोगों ने हमेशा बड़े मजबूती के साथ जिसको भी पार्टी ने उम्मीदवार बना करके भेजा था उसको एक बड़ी ताकत के साथ जिता करके अपनी पार्टी को जहां सरसा जिला के अंदर मजबूत करने का काम किया, वहीं पूरे प्रदेश में मैसेज आपने दिया था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। इसलिए आज उससे ज्यादा बड़ी जरूरत है, अब की बार आपको जहां पार्टी के साधारण कार्यकर्ता को एक एक वोट देकर के फिर से भारी मतों से जिताना है, वहां इसके चुनाव को, क्योंकि जो साधारण व्यक्ति होता है मान करके चलो उसके सामने बहुत सारी दिक्कत और कठिनाई होती है, उसके सामने आर्थिक दिक्कत सबसे बड़ी होती है, और यहां तो ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनके पास अथाह पैसा है, जो पैसे के बलबूते पे कहीं लोगों का ईमान खरीदना चाहते हैं, जो लगातार बाहर रहते हैं, चुनाव का समय जब आता है तो बीच में आकर के कहीं अपने आप को नेता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को सबक मिले जो पैसे के बलबूते पे हमारा ईमान खरीदने की कोशिश करें, और ऐसे साथी को जिता करके भेजे जिसने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करी, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया, जिस किसी ने भी चौधरी देवीलाल के पीठ में छुरा घोंपा आप ये मान करके चलो उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता में कहीं जरा सी भी जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चौधरी देवीलाल की वजह से अगर इस इलाके के अंदर खासकर के सरसा जिला के अंदर गरीब आदमी आज अगर खुले में सांस ले रहा है, गरीब आदमी आज अगर कहीं किसी जमीन जायदाद का मालिक है, गरीब के खेत में अगर किसान के खेत में अगर आज किसी की फसल पक रही है तो केवल और केवल चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से है। यहां पे चाहे को नहरों का जाल बिछाने की बात थी, चाहे को रोजगार और नौकरी देने की बात थी, चाहे कोई सड़क और बिजली देने की बात थी, चाहे कोई पीने के पानी की व्यवस्था करने की बात थी, चाहे कोई बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज बनाने की बात थी, और चाहे किसी गरीब आदमी के साथ न्याय हो इसके लिए उसके साथ कोई ताकत बन करके खड़ा हुआ, तो ऐसा समय भी आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने देखा है कि आजादी से पहले किस तरह से गरीब आदमी का शोषण इस देश में हुआ करता था, और देश की आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आ गई थी तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी धनाढ्य लोगों के साथ खड़े होकर के कमजोर आदमी को शोषण करने का काम करते थे। अगर उनका कोई विरोध करता था तो केवल चौधरी देवीलाल थे जो इस बात का विरोध करते थे, गरीब की मदद करते थे। यहां कुछ ऐसे गांव भी है जिन गांव के अंदर बड़े बड़े धनाढ़ सेठों की जमीनें हुआ करती थी, और उन जमीनों के ऊपर मुजारे के रूप में काम करने वाला जो गरीब आदमी था उसको किस तरह से वो पैसे वाले लोग सरकार के साथ मिलकर के जमीनों से उनको बाहर करने की कोशिश करते थे। चौधरी देवीलाल ऐसा शख्स था उस वक्त में जो गरीब के साथ लट लेकर के खड़ा हो जाता था कि पहली गोली मेजे लगेगी, पहला कोई लट मुझे मारेगा, फिर तेरी जमीन की तरफ कोई देखेगा। कितने लोगों को जिनको उजाड़ने का प्रयास किया गया था चौधरी देवीलाल ने उनको बसाने का काम किया। उन जमीनों में कहां से पानी आए, कैसे उन जमीनों में फसलें पके, उसके लिए नहरें बनाई, नहरों का जाल बिछाया, और खास करके ये हमारा जो
नाली की बेल्ट है। यहां तो इस किस्म के हालात थे कि अगर ये पुल का निर्माण ना चौधरी देवीलाल कराते तो हम लोग इलाहाबाद भी नहीं जा सकते थे। हमारे पास तो इलाहाबाद जाने के लिए भी रास्ता नहीं था। जो काम उन्होंने कराए, अगर हम उन कामों को सोचें देखें तो फिर हर व्यक्ति का मन करेगा कि मेरा वोट हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में एक एक जाकर के उनका उम्मीदवार जीते। आज फिर आपके बीच में एक ऐसे साधारण साथी को हमने आपका साथी बनाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि जहां आप सब लोग राजनीतिक तौर पे वोट देकर के इनको मजबूत करने का काम करोगे, वहीं आर्थिक रूप से भी इनकी मदद करके इन पैसे वाले लोगों को सबक सिखाने का काम करोगे। इस काम को सारे कोई कमी तो कौन छोड़ देगा? मेरा का हम भरो तड़के ने कटी फिर लांग काट जाओ, मजबूतियों जिता होगा। एक बारी हाथ खड़ा करो, सारा अभियान डट के लगा। कई लोगों ने बड़ी गलत फहमी है, कई लोग आप मान के चले कि रानियों में सुनेड़ है थे थारो दाव लगाइयो। इसे दाव लगाना तो सबक सिखाइयो और थारे साथी ने ज्यादा से ज्यादा वोटों में जिता दी। बस मैं तो थरमाई बात करते रहे हो, कोशिश करूंगा, समय निकालूंगा कि थारे राणिया का जिसका बड़ा बड़ा गांव है, मेरा प्रयास तो रहे हुआ मान के चलो कि हर गांव में आगे थारू मिल गए, थारू वोट मांगे, थारा अशोक ने जिताने की थारू अपील करूं। लेकिन अगर फिर भी कोई ज्यादा समय नहीं निकाल पाए, क्योंकि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जाना है, चौटाला साहब की तो 8 तक की पैरोल है, 8 के बाद में मैं तो जेल चला जाता। अगला 10 दिन लगातार मेरी जिम्मेवारी रहेगी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाने। लेकिन मेरी प्रयास और कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय थार खातर भी निकालूं, ताकि कहीं भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के मन में कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं रहे, कोई भ्रम नहीं रहे। हर हालत में कार्यकर्ता पहली जिक्की मजबूती का साथ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ताकत देवता रहे, अब की बार बिना भी ज्यादा मजबूत होकर के ताकत देने को काम करे। हमारे बीच में तो थोड़ी देर पहला भी कोई ना कोई भ्रम पैदा हो गया, कोई नहीं हो गया, अब निकल गए हो कौन निकल गए या है उतना ही कोई है। अरे भी छोटो सो किस्सो सुना जो थारा समझ में आ जाए सारी बात। एक दफा सरदार प्रताप सिंह कह रहे पंजाब का चीफ मिनिस्टर, पंजाब हरियाणा हिमाचल तीनों एक पंजाब हूं। बाद दिनों में कोई है बड़ी बड़ी सड़क तो एक नहीं जरनैली रोड है, करते दिल्ली और चंडीगढ़ को जो रस्तो है जरनैली रस्ता होता, और जरनैली रस्ते को मतलब हो कि जंगल के रस्ते का मुंह रस्तों बना के फॉरेस्ट को रोड बना करके और चंडीगढ़ के सड़क दिल्ली में जोड़े पतली छोटी सड़क ही भी वक्त में चीफ मिनिस्टर के सागर लंबी चौड़ी फौज भी कौन चलते। एक पुलिस को सिपाही आगे बैठ जाऊं तो चीफ मिनिस्टर पीछे सीट पर बैठ जाऊं तो ड्राइवर हूं, ना कोई पायलट ही, ना ही सिक्योरिटी, ना कोई और कोई सोशेबाजी। चौधरी देवीलाल और प्रताप सिंह कैरो दोनों दिल्ली और चंडीगढ़ जा रहे, रस्ते में दिन छिप गयो, अंधेरो हो गया, गाड़ी की लाइट जलाई, एक खरगोश गाड़ी के सामने आ गया और खरगोश जब सामने आ गया तो गाड़ी का आगे भजन आ गया। पुरानी इंडस्ट्रियल कार होती, स्पीड भी 40-50 की नशा होती, ये ज्यादा तेज कोई चलाऊ तो ब्रेक कौन लगता। तो आगे जो सुचियो दौड़ो टॉस खरगोश तो कैरो साहब घटी पूछ लियो तो देवीलाल ने कि देवीलाल ये जरा सैयड़ है, ये कदे अंदरले पासे जाता है, कदे अंदरले पासे जाता है, ये फैसला क्यों नहीं लेता रहता, एक पास क्यों नहीं निकल जाता। तो चौधरी देवीलाल कह लग गया ये विचलित हो गया, ये 100% पैर के थले आके मरेगा और उतनी देर में टायर के नीचे आ गया। कई विचलित है, थाने विचलित करता फिर है, थाने विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमारा फैसला बड़ा कड़ा,
और बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा स्पष्ट। हमारे खातर पार्टी को कार्यकर्ता जो है परिवार के सदस्यों में बहुत ज्यादा बड़ो है। परिवार में तो थे मान के चलो किसी शो परिवार है थे मैंने एक भी बता दो जकम भाई भाई न्यारा ने कोई एक परिवार ईशो बता दो जकम काको भतीजो न्यारो ने वे। लेकिन मान के चलो कोई क्यों भाग्य लेके नहीं जा सकता, कोई किंगी किस्मत नहीं खोज के, कोई किंगी ताकत नहीं खोज के, तो कोई अलग खड़े हो गया बात थाने कवे कि बेकट्ठा तो थे कठी गलत रस्तो ना पकड़ बैठे। ये तो हर हालत के मां चौधरी देवीलाल का सागर सदा खड़ा रहे और चौधरी देवीलाल ने ताकत दी है। आज चौधरी देवीलाल की पार्टी जो है वह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। मांगी नीतियां आगे बढ़ाने आप और नीतियां आगे बढ़ा गए फिर प्रदेश में सत्ता में काबिज होना। अब कड़ा ईशोड़ो बनेगा जो कम है किंग एक भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं आओ और जब स्पष्ट बहुमत नहीं आओ तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अगर 15-20 पहली हार जीत गया तो मेरो मोटो सौदेबाज नहीं है वो फिर से सौदेबाज ना है। मेरे का नाम सारी नवज है ऐसो बेद हुआ खातर में क्या मैं 100% इलाज कर दूंगा नाड़ी पकड़ तो उम्मीद करूंगा कि थे अशोक ने जितान खातर कोई कोर कसर नहीं छोड़ोगे नहीं छोड़ोगा नहीं। बहुत धन्यवाद।